एक लिफ्ट में दो लोग फंस जाते हैं। अब उन्हें 3-4 दिन तक कोई बचाने नहीं आने वाला। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है लिफ्ट में फंसने के पीछे भी एक राज है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक हॉलीवुड थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है डाउन, और बात करें इसकी IMDb रेटिंग के बारे में जो है 6.7 out of 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम जेनिफर नाम की बंदी को ऑफिस में काम करता हुआ देखते हैं। आज वो काफ़ी लेट हो चुकी थी और उसके साथ ऑफिस में कोई भी नहीं था। वो काम कर रही थी। कुछ टाइम पहले उसका उसके फियांसे के साथ झगड़ा हो गया था, इस वजह से उन्होंने ब्रेकअप कर लिया था। फिर भी वीकेंड पर जाकर वो उसे सरप्राइज करने वाली थी। इसके बारे में वो एक ईमेल तो लिखती है बट इसे शेयर नहीं करती क्योंकि ये एक सरप्राइज था। अगले सीन में हम अपने दूसरे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम गाय होता है। ये दोनों एक ही लिफ्ट में अलग अलग फ्लोर से अंदर आते हैं। गाय जेनिफर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए जोक्स मारने लगता है। लिफ्ट में एक ड्राइंग बनी हुई थी, गाय जेनिफर को वो ड्राइंग दिखाता है। तभी अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। लिफ्ट में कोई भी बटन काम नहीं कर रहा था। इन्होंने अलार्म बजाने की कोशिश की लेकिन कोई काम नहीं कर रहा था। जेनिफर ने वहाँ कैमरे को नोटिस किया। वो कैमरे में इशारा वगैरह करते हैं लेकिन दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। वो फ़ोन करके किसी की हेल्प मांगने की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ सिग्नल भी नहीं आ रहा था। अब इस लिफ्ट में ये 5 दिनों के लिए फंसे हुए थे क्योंकि कल फ्राइडे, सैटरडे और संडे है। उसके बाद 2 दिनों की छुट्टी थी। गाय जेनिफर से कहता है, मैंने अभी अभी इस बिल्डिंग में ज्वाइन किया है, उसे यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन जेनिफर कहती है, कभी कभी ये लिफ्ट आवाज़ करती थी, शायद इसी वजह से ये रुक गई है। गाय को अचानक से आइडिया आता है, ये लिफ्ट के ऊपर से एग्जिट हो सकते हैं। उसने ऊपर से खोलने की कोशिश की लेकिन उसकी हाइट नहीं थी। इसके बाद वो जेनिफर को अपने कंधों पर उठाता है लेकिन जेनिफर भी उसे खोल नहीं पा रही थी। इन्होंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है और जेनिफर रियलाइज़ करती है अब उसकी फ़्लाइट भी मिस हो गई है। वो अपसेट होकर सारी चीज़ों को गालियाँ देने लग गई। फिर उसे प्यास लगती है, तब गाय उसे अपनी बॉटल देता है लेकिन जेनिफर उसका पानी पीने से मना कर देती है। गाय बोलता है, मेरे पास एक पानी की बॉटल है और दूसरी वाइन की, अब ये तुम्हें डिसाइड करना है तुम्हें क्या पीना है। फिर वो मजाक में कहता है, वाइन की बॉटल ओपन करने के लिए मेरे पास ओपनर भी है। जेनिफर ने भी अपने पर्स से निकालकर उसे एक ओपनर दिखाया। इसके बाद ये दोनों बहुत हंसते हैं। फिर जेनिफर पानी पी लेती है। फिर वो गाय को एक चॉकलेट देती है। वो कहती है, अब हमें सारी चीज़ें एकदम तोल मोल के यूज़ करनी चाहिए, हम यहाँ पर शायद 5 दिनों के लिए फंसे रह सकते हैं। इसके बाद ऐसे ही 4 घंटे और बीत जाते हैं। उसे पी करना था लेकिन गाय के सामने इस तरीके से उसे बहुत अजीब लगता है। गाय फिर उसे एक बॉटल देता है और उसे कहता है, ये नेचुरल चीज़ है, तुम्हें शर्म करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो उसे घूमने के लिए कहती है और अपना काम ख़त्म कर लेती है। उसने अब रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया था, अब यहाँ ये फंसे रहेंगे और ये सब तो चलता रहेगा। फिर लिफ्ट में जो ड्राइंग बनी थी वो उस ड्राइंग को कंप्लीट कर लेती है। जेनिफर फिर गाय से पूछती है, क्या तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है? तुम अगर घर पर नहीं गए तो वो पुलिस को कॉल करके पता करेगी। गाय कहता है, ऐसा कोई भी नहीं है। जेनिफर भी अपने फियांसे के बारे में उसे बताती है। वो कहती है वो उसे सरप्राइज देने वाली थी लेकिन उसके फियांसे को भी आने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। ये दोनों रियलाइज करते हैं कि वो दोनों कितने सेम हैं। गाय फिर वाइन की बोतल ओपन कर लेता है और टाइम पास करने के लिए ये दोनों एक दूसरे की ड्राइंग बनाने लगते हैं। गाय ने उसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाई थी लेकिन जेनिफर ने उसकी एक फनी सी ड्राइंग बना ली थी। फिर जेनिफर को बुरा लगता है और वो कहती है, तुमने मेरी जो ये ड्राइंग बनाई है मैं इसे अपनी प्रोफाइल पिक्चर रखूंगी। फिर बातें करते हुए खाने पर डिस्कस करने लगते हैं। दोनों को काफ़ी भूख लगी थी। फिर जेनिफर कहती है, ये सब्जेक्ट चेंज करते हैं। फिर अलग अलग टॉपिक पर बात करते हुए अपने पार्टनर के साथ हुए क्रेजी स्टोरी के बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर कहती है, एक बार मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी। गाय पहले बहुत शर्मा रहा था लेकिन बाद में वो कहता है, मेरी एक कोवर्कर थी, हम एक बार ड्राइव पर गए थे और वहीं पर इंटीमेट हो गए थे। ये सब बताते हुए उसे जेनिफर के लिए फीलिंग आ गई। जेनिफर को भी उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। फिर ये दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद गाय जेनिफर से कहता है, मैं तुम्हारे प्यार में पड़ सकता हूँ। ये बात जेनिफर को बहुत ही अजीब लगती है। वो श्योर थी, हमारे बीच में जो भी हुआ इसे हम भूल जाएंगे। वो अपने फियांसे से बहुत प्यार करती थी, वो उसके पास वापस जाना चाहती थी। गाय को इस बात ने बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया। वो कहता है, मुझे लगा था हम दोनों में एक कनेक्शन है, क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ? जेनिफर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने फियांसे के साथ बहुत सालों से थी तो उनमें एक अंडरस्टैंडिंग थी। जेनिफर की ये सारी बातें सुनकर एक बंद लिफ्ट में होने
के बावजूद और ये एक दूसरे से बहुत दूर हैं, इस सब को गाय महसूस करता है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। जेनिफर गाय से कहती है, हम एक दूसरे को सही तरीके से जानते भी नहीं हैं। फिर अचानक से गाय का बिहेवियर चेंज हो जाता है। वो अपने मोबाइल में उसे CCTV फुटेज दिखाता है। वो कहता है, मैं रोज़ तुम्हें देखता हूँ, तुम जब काम पर आती हो और काम से जाती हो तब मैं हर रोज़ तुम्हें ही देखता रहता हूँ। एक्चुअल में वो इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड है। उसने पहले जेनिफर को झूठ कहा था कि वो इस बिल्डिंग में अकाउंटेंट है, और वो कन्फेस करता है, ये सब कुछ मैंने प्लान किया था। वो जेनिफर के साथ एक दूसरे को जानने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो चाहता था जेनिफर उसे पहचाने, इसलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया था। फिर वो अपनी पॉकेट से चाबी निकालता है और ये लिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। जेनिफर उस पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी, तुमने जो कुछ भी किया इस सब के लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। ये सुनने के बाद गाय लिफ्ट बंद कर देता है। जेनिफर फिर से लिफ्ट को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन गाय उसे पकड़ लेता है। जेनिफर स्ट्रगल करते हुए लिफ्ट की कीज पर मार देती है, जिसकी वजह से वो टूट गई थी। अब वो एक्चुअल में इस लिफ्ट में फंस चुके थे। जेनिफर गुस्से में अपने जूते से गाय को मारती है और गाय बेहोश हो जाता है। जब उसे चेक करने के लिए वो उसके पास आती है, लेकिन गाय होश में था। वो उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर जेनिफर के होश में आने के बाद गाय उससे कहता है, ये बहुत ही अजीब प्लान था। यहाँ लिफ्ट में हमारे बीच में कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं था और हम एक दूसरे को जान पाए। प्रैक्टिकली हमारी रिलेशनशिप इस लिफ्ट में अच्छी सी हो गई और हम एक दूसरे को मिले और एक दूसरे को जाना। फिर इसके बाद ब्रेकअप भी हो गया। जेनिफर अब भी बहुत गुस्सा थी। जेनिफर अपने फियांसे के लिए जो गिफ्ट लेकर आई थी, ये गाय चेक करता है। उसमें एक अच्छा सा शर्ट होता है जो गाय पहन लेता है। गाय के पास भी एक गिफ्ट होता है जिसमें एक लाइटर सिगार और एक कटर होता है। फिर गुस्से में उसने लिफ्ट की एक लाइट तोड़ दी। इसके बाद उसे आइडिया आता है, लाइट बदलने का यहाँ कोई ना कोई तो तरीका होगा। उसके पास के ही कॉर्नर से छत पर मारकर उसने उसे खोल लिया। वो जेनिफर से कहता है, तुम मुझे सपोर्ट दो, मैं ऊपर जाकर इस लिफ्ट को खोल दूंगा। जेनिफर उस पर बिलीव नहीं करती। वो कहती है, मैं ऊपर जाती हूँ, मेरा वेट कम है और मैं जल्दी से इसे ओपन कर दूंगी। गाय को उस पर शक होने लग गया था। उसे जो बात सुननी थी वही जेनिफर ने कही। जेनिफर कहती है, मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी। गाय फिर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। फिर वो ऊपर आ गई। ऊपर आने के बाद जेनिफर ने उसे धोखा दे दिया। गाय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। वो कुछ भी करके ऊपर आने की कोशिश करता है। वो अपने कपड़े निकालता है, उससे एक रस्सी बनाकर वो ऊपर आ जाता है। जेनिफर थोड़ा ज़्यादा ऊपर चली गई थी, वो डोर को पकड़ने ही वाली थी। तभी नीचे से गाय आ जाता है और उसे पकड़कर फिर से लिफ्ट में गिरा देता है। ये दोनों इतने ऊपर से गिरने के बाद काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे। गाय बेहोश हो जाता है, लेकिन जेनिफर कुछ टाइम बाद होश में आ जाती है। लिफ्ट काफ़ी ज़्यादा टूट गई थी। फिर उसने फायर अलार्म को नोटिस किया। गाय के गिफ्ट में से लाइटर निकालकर उसने थोड़ी सी आग जलाने की कोशिश की। गाय को होश आ जाता है और वो कहता है, ये सब काम नहीं करेगा, हमें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। जेनिफर फिर से उस पर अटैक करके उसके हाथ पैर बांध देती है। वो कहती है, हम यहाँ से जल्दी ही निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हें सब कुछ अभी के अभी कन्फेस करना पड़ेगा, मैं बाद में कोर्ट में झूठी साबित नहीं हो सकती। वो गाय से कहती है, सब कुछ अभी कन्फेस करो, अगर गाय कन्फेस नहीं करेगा तो वो गाय को बहुत ही बुरी तरह से हर्ट करने वाली थी, इसलिए गाय सब कुछ कन्फेस कर देता है। फिर जेनिफर फाइनली गाय से पूछती है, तुमने ये सब क्यों किया। गाय कहता है, मैं हर रोज तुम्हें देखता था, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल थी और मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो तुम्हें कभी भी अप्रोच नहीं कर पाया। मैं हमेशा से सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, मैं एक्चुअल में एक अकाउंटेंट था, मैं बहुत सारे पैसे कमाता था। और जो स्टोरी मैंने तुम्हें बताई थी कि कार में मैं अपने कोवर्कर के साथ इंटीमेट हो रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया और उस पर चार्ज लगे, उसके पास बहुत सारे पैसे थे। फिर 6 महीने के बाद वो बाहर आ गया और बाहर आने के बाद उसे कहीं भी काम नहीं मिला और धीरे धीरे उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो गई और फिर उसे सिक्योरिटी गार्ड का काम करना पड़ा। फिर वो जेनिफर से कहता है, मैं फिर से अपनी पुरानी लाइफ को महसूस करना चाहता था, इसी वजह से मैंने सब कुछ प्लान किया। अगले सीन में हम देखते हैं गाय के साथ काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड अपनी गर्लफ्रेंड को छत दिखाने के लिए यहाँ पर लेकर आता है। उसने छुट्टी ली थी, वो वापस नहीं आने वाला था, लेकिन वो अपनी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर लेकर आया। वो नोटिस करता है गाय आसपास कहीं भी नहीं है। फिर उसने CCTV कैमरे में गाय और जेनिफर को देखा। फिर वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए पहुंच जाता है। फिर वो लिफ्ट को ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सिर्फ थोड़ी सी ओपन हो रही थी। इसके बाद वो अपनी कीज लेने के लिए जाता है और गाय जेनिफर को हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद फ्रेंड वापस आकर अपनी की गाय को दे देता है। फिर गाय कहता है, ऊपर आओ, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। वो आधा ही अंदर आया था, तभी गाय ने लिफ्ट को चालू करके उसे मार डाला। वो उसकी बॉडी लिफ्ट में ही छोड़ देता है और जेनिफर को ले जाकर अपनी कार के ट्रंक में डाल देता है। फिर वो शावर लेता है और कपड़े पहनकर नीचे आता है और अपने फ्रेंड की गर्लफ्रेंड को नोटिस करता है। वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है,
तब गाय कहता है वो तो चला गया। फिर गर्लफ्रेंड थोड़ी सस्पिशियस होकर यहाँ से जा रही थी, तब गाय उस पर भी हमला करके उसे मार डालता है। इसके बाद वो गाड़ी में एक सुनसान रास्ते पर जेनिफर को लेकर आता है। वो एक कैन में पेट्रोल लाकर जेनिफर को भी जलाने वाला था। वो कार की डिग्गी खोलता है लेकिन जेनिफर जिंदा थी और वो गाय पर हमला कर देती है और जल्दी से गाड़ी में बैठकर आगे चली जाती है। फिर वो पीछे देखती है तब गाय अभी भी जिंदा था। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और रिवर्स में गाड़ी लाकर गाय को मार डालती है। गाय की बॉडी डस्टबिन में डालकर पेट्रोल छिड़क कर उसे जला डालती है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।